हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा पंजाब सक्सेस मंत्रा दे इस चैनल ते। अज दी वीडियो अगेन इज इन कॉन्टीन्यूशन। असी दो पिछलियां वीडियोस कर चुके हैं जी, जिस च असी अपने गहने पंजाबी सभ्याचार दे गहने जिहड़े ने ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स जिहड़े ने ओह कवर कीते सी। अज दी पर्टिकुलर वीडियो दे विच असी की करांगे, फोरहेड, नोज, फिंगर, रिंग्स ते एंकलेट्स, ये बेसिकली तुहाडे सारे जिहड़े गहने ने इह सारे औरतां दे ने, ठीक है जी। ते चाहे कोई फोरहेड दा होवे, नक दा होवे, फिंगर्स दा होवे, फिंगर्स दे विच बस इक जिहड़ियां तुहाडियां रिंग्स आ जांदियां ने ओह मुंडे भी पा लैंदे ने, ठीक है। ते बाकी एंकलेट्स अगेन ये भी तुहाडी औरतां दे गहने है, ठीक है। चलते हैं जी, पहले गहने ते ओह है तुहाडा दमनी या दौड़ी। फ्रिज हैंगिंग, ये कुछ नहीं है जी, इस दे विच की है ज्वेल्स लगे होंगे ने, जिहदियां वरायटियां है कुतबी ते सुसानी। ये एक पासे फेस दे जा सकते ने, ठीक है, या फिर दोनों पासे द हैंग जिहड़े ने ओह होंगे ने। आह अगे जिदा मत्था टिका आ गया, फिर इतने फ्रिंजिस जिहड़ियां हैंग हो रही ने हुण ओह बोलते हैं जी दामनी या दौड़ी। चेहरे के दोवें पासे मत्थे ते लटकदा एक किनारा, उन्हां विचों कुछ क मतलब कि ज्यादा मतलब कि गहने होंगे ने उसके विच, किस्मां दे होंगे जिवें कुताबी ते सुसान। क्लियर स्टूडेंट, अगे देखो जी, टिक्का और काशका। देखो टिक्के नूं असीं काशका भी कहने हैं, तुसीं इह शब्द याद रखियो। टिक्का यानी कि मत्थे दा टिक्का, है ना। असीं टिक्का हैड दा ऑर्नामेंट भी किया सी, फोर हैड च भी आंदा है। जे इत्थे तक रह जाए तां हैड दा, जे फोर हैड तक लटक जाए तां इह फोर हैड दा बन जाता है। Small ornament on the forehead which hangs from the middle of the head on the forehead with a chain pendant. चेन है, a pendant है, ये टिक्का है, ठीक है जी। अगे चलो जी, चांद बिना, ए मून शेप्ड पेंडेंट। देखो ये कुछ नहीं है, मून शेप पेंडेंट होंदा है, इस दे पे भी चैन इत्थे लटकमा आ जाएगा। यह असी मर्दां दे विच भी किया सी, उन्हां दे हैड दे पग दे उत्ते भी लगाया जाता है ना, बड़ो हैड च है। फोर हैड च सिर्फ विमेन दे जिहड़े गहने थाडे आणगे। अगे चलो जी, तवीत, तवीता लाए हुए ने इत्थे मत्थे ते जिहड़े ने इत्थे आ जाण, छोटे छोटे तवीत दा कोई डिजाइनिंग। ये बहुत घट पाया जाता है, पहले टाइम च ज्यादा देखा जाता सी, उहनूं बोलदे आ सी तवीत। स्मॉल ऑमलेट्स वॉर्न ऑन द हैड, तवीत जी हैगे ने देखो, ठीक है जी, इहनूं परो के जिहड़ा है मत्थे ते लगाया जाता है। हाँ जी, झूमर, अ टैसल शेप्ड ऑर्नामेंट और द टैसल्स, यानी कि एवं आ टैसलिंग जी जिहड़ी आ रही है, ऐसे सिल्क वाला भी एक टैसल किया सीगा सी, है ना। तो ये कुछ नहीं, नगा दा मैटल दा टैसल है, ठीक है, इतों जाके दस थले तक आता है। मोस्टली कुड़ियां अपने विआह शादियां दे विच कितने ना कितने किसी फंक्शन दे विच इहनूं कैरी कर लैंदियां ने, ईवन अपने विआह च जागो च ये बहुत देखा जाता है। अगे है जी थोड़ा गुच्ची मरवेड, क्लस्टर ऑफ पर्ल्स। हुण इस तुसी की गल याद रखनी है, गुच्ची मारवरी दे विच इत्थे पर्ल्स दा काम है, तुसी बस ये याद रखना, यानी कि थाडे मोतियां दा काम होएगा, गुच्छा होएगा मोतियां दा जो थाडे मत्थे उत्ते आएगा। आ देखो जी किवें मत्थे ते आ रहा है, पेंडेंट भी लगा होया, ठीक है। अगे चलते हैं जी, बिंदी, बिंदी बहुत सौखा है, यह हिंदू धर्म विच ज्यादा देखा जाता है, सिख धर्म च घट देखा जाता है, मैं एवें कहां। बाकी अजकल हर कोई लगा ही लैंदा है, कई नहीं भी लगाते हैं ना, तो कई लगाना पसंद करते हैं। तो कितने लगा, तुहानू पता ही है, इहनूं फोरहेड दे विच लगाईदा है, आईब्रोज दे विच कर, फोरहेड दे विच, है ना। अगे चलते हैं, परवट्टा, परवट्टा यानी परवट्टे किहनूं कहिंदे आ, असीं आईब्रोज च कहिंदे आ, है ना। तो टिंसल स्टार्स वॉर्न ओवर द आईब्रोज, नॉट टू बी कन्फाउंडेड विद परवट्टा एंड आमलेट। देखो असीं एक परवट्टा आमलेट भी किया सी, ठीक है, इतने भी पैंदा है, बट ये वो नहीं है, कहिंदे परवट्टा है, रारा है, इस दे विच याद रखना। तो देखो पहले टाइम दे विच की हुंदा सी, जिवें इह बिंदी है ना, जद औरतों की मैरिज हुंदी सी तां इत्थे 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 बिंदियां बिंदियां जदा लगाउंदे सी, उहनूं असीं परवट्टा कह दिंदे सी। बाकी स्टार की तरह ही इतने इतने लगाया उस टाइम से, जाता सी वह होंगे सी परवट्टा, ठीक है जी। अगे चलते हैं, आईब्रोज उत्ते लगता सी। अगला थोड़ा ऑर्नामेंट है जी, नोज ऑर्नामेंट। पहला है थोड़ा जी नथ, ठीक है जी, पहला केड़ा थोड़ा नथ है।
A large nose ring, one side of the ring mean ornament with a belt of jewels or a few pearls hung on it. हाँ जी आ थोड़ी नाक है जी, ठीक है, नाक दी एक बड़ी रिंग एक पासे जिदा थानू पता ही है इत्थे लगा के नू सिर दे विच जोड़िया जांदा है, बहुत सारे पर्ल्स मैटल्स इस दे विच इनग्रेव्ड हुंदे ने, ना तो थानू पता ही है इस च कुछ है नहीं, हर कोई कुड़ी विआह ते पाउंदी ही पाउंदी है ना, नक जिन्हें नहीं बनवाया हुंदा उह एवें अटैच कर लैंदे ने, बाकी जिन्हें ने बनवाया हुंदा है वो अपने नक दे जिहड़ा हा छेक है इस च नथ नू पा लैंदे। अगला है जी बुलक, A small pendant either worn hung to the cartilage of the nose or is strung to the neck. हाँ जी hung word याद रखना बुलक ले, ठीक है, आ लटकवा जेड़ा हुंदा है इनू बोलते हैं बुलक, ठीक है, pendant हुंदा है वह नक की जिहड़ी उप हड्डी है जिहड़ा लटकिया हुंदा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगे चलते हैं जी लटकन, A sort of ornament pendant or put on the thin gold ring called nath and hanging from it. देखो ऐसा कोई लटकना जो लटक रहा होंगे नथ चो उन्हें बोलते हैं लटक, ठीक है जी। अगे है मोरनी, मोरनी की शेप के आप देखो ईयरिंग्स भी किए थे है ना, नथ भी है, स्मॉल पेंडेंट शेप लाइक द स्प्रेड टेल ऑफ द पीकॉक, आ पीकॉक थोड़ा देख लो जी इतों बनया हुआ है, नक च पाने वाली है, ठीक है जी, इनू असं बोलते हैं मोरनी। अगला है जी लोंग, अ स्मॉल स्टड लेट इन टू फ्लैश ऑफ द नॉस्ट्रीज ऑन वन साइड जनरली ऑफ गोल्ड विद अ पर्ल और टर्कवाइज ऑन इट, अ पर्ल है ये, कोई ऐसे टर्कवाइज नहीं है, यह टर्कवाइज तो तुम्हें पता ही है थोड़ा जहा ग्रीन नीले जे रंग का होंगे, यह दूसरा है थोड़ा नग तो इतने सोने का है ये, तो लौंग थानू पता ही है जिम्मे छोटा जहा नग या सोने का उन्होंने बोलते लौंग, गाड़ा भी बड़ा बनया हुआ लौंग वाच एंड ऑल दैट थानू पता ही है ना जी। अगे चलते हैं जी पुली, अ स्मॉल रिंग विद अ सिंगल एमरल्ड और अदर स्टोन ऑफ एन ओवल शेप एज अ पेंडेंट, कुछ नहीं है जी लौंग होंगे सिंपल, इस चीज पुली एक सिंगल आ जाएगा एवं जी शेप होएगी, तो एक मतलब कि नग वगैरह होएगा एवं नथली टाइप छोटा जहा आ जाता उन्होंने बोलते फुली। अगला है जी बहुत, अ डेंगलिंग पेंडेंट, देखो इस देखो बहुत तुम्हें कि याद रखनी है पिपल लीव्स याद रखनी है, ठीक है, सोने की पिपल पत्तियां का एक लमकदा पेंडेंट इनू बोलते हैं बोहर, ठीक है, इस मैं कोशिश की थी कि थोड़ी पिपल पत्तियां की डिजाइनिंग वाला लैके आवा, नक जो कोई पिपल पत्तियां का कोई डिजाइनिंग वाला होवे उन्हें बोलते हैं बोहर, ठीक है जी। अगला है अंगूठी, ठीक है जी, अ रिंग सैट विद स्टोन कॉल्ड मुंदरी, थानू पता है अंगूठी इनू मुंदरी भी बोलिया जाता है, मुंदियां देखो हर किसी ने पाइया होंगे, मैं भी पाइया हुई ने दो, ठीक है, तो यह सौखा ही है। अगर छला, छला ही तुम्हें पता ही है छला जो प्लेन होंगे गोल हू है ना, छला उन्होंने बोलते हैं छला, ये गोल्ड का भी हो सकता सिल्वर का भी हो सकता राउंड होंगे, ठीक है, यह छले कहते पैर टोच भी जोड़े ने पाए, देखो फिंगर रिंग्स की गल की गई है, फिंगर यानी कि पैरों की भी हत्थां की दोनों की फिंगर रिंग्स की गल हो रही, छले पैरों च भी पेंदे ने हत्थों च भी पेंदे ने। अगला है अंगूठा, अ बिग रिंग, देखो अंगूठी अपने हत्थां ली सी, अंगूठा पैर ले है, एक गल याद रखना, एक वड्डी मुंदरी जिसके अंगूठे से एक चौड़ा जिहा चेहरा पहनिया होंगे है, देखो आने पैरों के पा देने बोलते हैं अंगूठा, ठीक है जी। अगे चलते हैं जी खैरी पंज पंजंगला, कुछ नहीं है सैट ऑफ फिंगर रिंग्स है, रिंग जी इकट्ठी है एक सैट ऑफ फिंगर रिंग्स आ जाती है, एक बार हाथ से पा लो, ठीक है, थोड़ी मैं थोड़ी जी डिटेलिंग वाली पिक्चर इस पाती थोड़ा कि थोड़ी ईजीली समझ आ जाए, एक दे विच देखो सारी उंगलों की इतने है रिंगा, ठीक है, उन्होंने बोलते हैं खरी पंज गला, पंज तो देखो याद रखो पंज उंगलियां, ठीक है जी, थोड़े कीवर्ड्स ने, कई बार वर्ड च ही जी होंगी है सारी गल समझाई गई होंगी है, तुसी बस वो चीज जी है वो कैच करनी है। अगला है जी थोड़ा शहलमी और खैरी, रिंग ऑफ लोंग ओवल शेप की जी रिंग होएगी उन्होंने बोलते हैं जी खारी या फिर शहलमी। अगला है जी ब्रिम गांड, यानी कि वड्डी चौड़ी रिंग नू असीं बोलते हैं, वड्डी वड्डियां जी रिंग चल दियां सी पहले टाइम से हुण भी चल दियां उन्हों बोलते सी ब्रिम गांड, ठीक है जी। अगे है एंकलेट, हुण तक असीं देखो फिंगर रिंग्स कर लईआं सारियां, हुण लास्ट साडा आ गया एंकलेट, ठीक है जी,
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੈੱਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 'ਚ ਫੋਰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਗਲ ਦੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਨੈਕ ਦੇ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਮ, ਹੈਂਡਸ, ਰਿਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫਿੰਗਰਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਨੀਚੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੱਕ 'ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਊਥ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਸਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਜੇ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆ ਐਂਕਲੈਟਸ, ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓਸ 'ਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਜ਼ੇਬ, ਵੇਰੀਅਸ ਐਂਕਲ ਔਰਨਾਮੈਂਟ ਮੇਡ ਵਿਦ ਚੇਨਸ ਪੈਂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਸਿਲਵਰ ਵਿਚ ਕਲਿੰਗ ਟੁਗੈਦਰ ਵੈਨ ਦ ਵੀਵਰ ਵਾਕਸ। ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਜਦ ਛਣ ਛਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਜ਼ੇਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਝਾਂਜ, ਝਾਂਜਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਦੀ, ਬਸ ਛਣ 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 ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਗਰੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਝਾਂਜਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਜ਼ੇਬ ਮਤਲਬ ਪੰਜੇਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖੈਰੀਆ ਐਪੀਅਰ ਔਰ ਖਲਖਲ ਲਾਈਕ ਕੜਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਔਨ ਦਾ ਐਂਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਖਲਖਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਿੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੜੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੜੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਖਲਖਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਆਹ ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘੁੰਗਰੂ, ਘੁੰਗਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੁੰਗਰੂ ਲਿਖਿਆ, ਘੁੰਗਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਔਰ ਐਂਕਲ ਆਫ ਲੌਂਗ ਔਰਨਾਮੈਂਟ ਬੀਡਸ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਬੋਰਨ ਔਨ ਦਾ ਫੀਟ, ਸਿੰਪਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਿਲਕ ਥਰੈਡ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਚੇਨ ਵਗੈਰਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਗਰੂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਘੁੰਗਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੰਜੀਰੀ, ਜੰਜੀਰੀ ਵਰਡ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਚੇਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੁੰਗਰੂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੰਪਲ ਜੰਜੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੋਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਰਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜੇਬ ਟਾਈਪ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਜੀਰੀ ਮਤਲਬ ਝਾਂਜਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਛਣ ਛਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੰਜੀਰੀ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਚੇਨ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਚੇਨਸ ਹੈ, ਬਰੋਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਰੋਡ ਕਲਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਜੀਰੀ ਜਾਂ ਤੋਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦਿਉ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਟੋਪਿਕ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।